वेलकम दोस्तों। देखिए फिर से सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी आया है सेल का तरफ से। ओके तो सेल का वेबसाइट है, सेल का वेबसाइट में जाकर आप करियर ऑप्शन में जाइए, उसके बाद आप जाइए जॉब ओपनिंग्स। जॉब ओपनिंग्स में जाके देखिए विला स्टील प्लांट में वैकेंसी आया है। यह आ गया मेरा पूरा एडवर्टाइजमेंट। ओके तो इस एडवर्टाइजमेंट हम डाउनलोड करके हाईलाइट करके रखे हैं सिविल इंजीनियर के लिए, इसमें बहुत सारा वैकेंसी है। तो सिविल इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी है हम लोग उसी को बारे में देखेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लास्ट डेट कब है, कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सैलरी कितना होगा, ये सब डिटेल में हम लोग देखेंगे। एंड आपका एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस का हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं वो भी हम लोग डिटेल देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए इस एडवर्टाइजमेंट हम डाउनलोड करके रखे हैं, एंड अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन विला स्टील प्लांट, विलाई में है, एक सेल का ही है। ओके बीएसपी है सेल का। तो देखिए इसमें बहुत सारा वैकेंसी है, उसमें सिविल इंजीनियर के लिए देखिए असिस्टेंट मैनेजर सर्वे E1 ग्रेड पे आपको लिया जाएगा, मीन्स रेगुलर पोस्ट है, E1 ग्रेड पे आपको लिया जाएगा, मतलब आपको सैलरी बहुत अच्छा खासा मिलेगा। नंबर ऑफ पोस्ट है 3, नंबर ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है। ओके अनरिजर्व है, टोटल 3 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर सर्वे E1 ग्रेड पे आपको लिया जाएगा। देखते हैं आपको इसका एक्सपीरियंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए इसमें असिस्टेंट मैनेजर सर्वे E1 आपको अपर एज लिमिट जो है, अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स, आपको मैक्सिमम 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बीई और बीटेक फुल टाइम इन माइनिंग इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, मीन्स सिविल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और माइनिंग में जो इंजीनियरिंग किया है, बीई बीटेक किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड पोजेसिंग वैलिड माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर MMR 1961 इशूड बाय द DGMS, मीन्स आपको बी बीटेक में तो सिविल और माइनिंग में होना चाहिए, एंड और एक आपको माइन सर्वेयर का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एक स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके मीन्स आपको सर्वे में इस सर्टिफिकेट होना चाहिए, दिस सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द DGMS, एंड मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस एज माइन सर्वेयर इन एन ओपन कास्ट माइन्स वर्किंग अंडर फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर। ओके तो स्पेशली ये सर्वेयर के लिए मांगा गया है, जो लोग सर्वेयर ओपन कास्ट में, हम लोग जानते हैं जो ओपन कास्ट माइन्स किसको बोलते हैं, जो लोग ओपन कास्ट माइन्स में सर्वे किया है उसी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको बीई बीटेक होना चाहिए माइन में और सर्वे में, और एक स्पेशल सर्वे के लिए एक सर्टिफिकेट व्हिच इज इशूड बाय द DGMS ये आपको होना चाहिए। एंड द इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक लिमिटेड कंपनी और JV ऑफ द PSU और द गवर्नमेंट। ओके तो आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बीबीटेक सिविल और माइनिंग में होना चाहिए, देन 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड एक स्पेशल माइन सर्वे में माइन सर्वे का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो भी एक PSU होना चाहिए और गवर्नमेंट सेक्टर होना चाहिए और JV ऑफ गवर्नमेंट एंड PSU होना चाहिए। ओके एंड मिनिमम 2 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पूरा मैच हो रहा है तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए, इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ही कम रहेगा। ओके एंड सैलरी आपको बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा, एंड आपको E1 ग्रेड पे रेगुलर बेसिस पे लिया जाएगा। तो अभी देखते हैं इसका लास्ट डेट एंड हाउ टू सिलेक्ट। ओके देन असिस्टेंट मैनेजर के लिए असिस्टेंट मैनेजर सर्वे इसमें दूसरा चीज है, देन उसके बाद आप देखिए हाउ टू अप्लाई सिलेक्शन प्रोसीड्योर। देखिए असिस्टेंट मैनेजर सर्वेयर द मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर द एलिजिबल एप्लीकेंट्स वुड बी थ्रू द ऑनलाइन टेस्ट, आपको CBT टेस्ट होगा फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, उसके बाद आपको इंटरव्यू दिया जाएगा, एंड 1:3 रेशियो में आपको पहले CBT टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू में जो बुलाएगा तो 1:3 रेशियो तक आपको लिया जाएगा। देन हाउएवर इफ फॉर एनी पोजीशन द रेशियो ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट इज लेस देन 1:5 देन ओनली इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। ओके देखिए अब आपको एक्सपीरियंस का हिसाब से पूरा मैच हो रहा है तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। ओके इसमें 1:5 से ज्यादा होगा तो CBT टेस्ट होगा, एंड उससे लेस होगा तो ओनली इंटरव्यू का बेसिस पे ही सिलेक्ट किया जाएगा। ओके देन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन टेस्ट मीन CBT और इंटरव्यू विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड और कॉल लेटर व्हिच विल बी अपलोडेड ऑन करियर पेज ऑफ शेल वेबसाइट एंड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड फॉर द
सेम थ्रू देयर ईमेल्स एंड नो अदर कम्युनिकेशन शैल बी एंटरटेन्ड। ये हो गया। देन रिटन टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट, प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइम ऑनलाइन टेस्ट सीबीटी कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एट एनी ऑफ द सेंटर्स डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द ऑनलाइन टेस्ट फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द 50% स्कोर। ओके तो ये सब एंड एस सी एस टी के लिए 40% है, इसमें तो कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है। ओके तो मिनिमम आपको सपोज सीबीटी टेस्ट होगा तो मिनिमम 50% चाहिए एंड 1:5 से रेशियो से कम अप्लाई करेगा तो सीबीटी टेस्ट नहीं होगा, ओनली इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ओके देन आपको देखिए मेडिकल असिस्टेंट मैनेजर सर्वे E1 में है तो आपके लॉक पे कितने मिलेगा, फर्स्ट ईयर आपको 50,000 से लेके 1,60,000 एंड ये सब है आपको, मैंने सैलरी आपको बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा, कुल मिलेगा आपको 1,00,000 सैलरी मिलेगा। ओके देन आपको E1 में तो एप्लीकेशन फीस 700 लगेगा। ओके इसमें तो कोई कैटेगरी नहीं है तो ओनली आपको जनरल कैटेगरी के लिए 700 लगेगा। हाउ टू अप्लाई, देखिए इसमें पूरा हाउ टू अप्लाई कैसे अप्लाई करना है पूरा मेंशन किया। बिफोर रजिस्टरिंग देयर एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट कैंडिडेट शुड नोट एंड एंश्योर द फॉलोइंग, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विच विल बी अवेलेबल इन द वेबसाइट इटसेल्फ, वेबसाइट में अवेलेबल है आप जाके एक बार पूरा देख लीजिए। देन इसका लास्ट डेट कब है, देन जनरल कंडीशन है, ऐसा बायोमेट्रिक लगेगा आपको फोटो, इंपॉर्टेंट डेट स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/7/2024 मीन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप लोग इसको जरूर अप्लाई कीजिए, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरा मैच हो रहा है तो। ओके एंड क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/8/2024। देखिए इसमें बहुत कैंडिडेट कम अप्लाई करेगा तो आपको एग्जाम भी नहीं होगा, ओनली इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट हो जाएगा। ओके तो पहला चीज आपको बी बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और माइनिंग सर्वे में। दूसरा चीज आपको एक स्पेशल सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड आपको ओपन कास्ट में 2 साल का काम करना चाहिए एंड आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो एक पीएसयू होना चाहिए और एक गवर्नमेंट सेक्टर होना चाहिए और जेवी विथ पीएसयू एंड गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए। तो ये सब आपको पूरा मैच हो रहा है तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। बीएसपी एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, आपको रेगुलर पोस्ट में मिलेगा, E1 ग्रेड पे असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट में मिलेगा तो आपको लाइफ पूरा सेटल्ड हो जाएगा। ओके तो अभी बहुत सारा पीएसयूज में वैकेंसी आ रहा है तो आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस चैनल इज डेडिकेटेड ओनली फॉर सिविल इंजीनियर। थैंक यू दोस्तों, फिर से हम लोग एक नया जॉब अपडेट के साथ मिलेंगे।